नमस्कार। आज हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल की बात करेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल किसी भी एल्कीन या एल्काइन पर किसी दूसरे मॉलिक्यूल के एडिशन के बारे में बात करता है। तो पहले हम देखते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल कहां पर लागू होते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल लागू होने के लिए हमारे पास एक एल्कीन या एक एल्काइन पर एडिशन रिएक्शन होना चाहिए। एल्कीन या एल्काइन पर जिस सब्सटेंस का एडिशन हो वो सब्सटेंस एडेंडम कहलाता है। तो अगर हमारे पास कोई एल्कीन है तो वो एल्कीन दो तरीके की हो सकती है, एक सिमेट्रिकल और दूसरा अनसिमेट्रिकल। या एल्काइन है तो वो एल्काइन भी दो तरीके का हो सकता है, एक सिमेट्रिकल और दूसरा अनसिमेट्रिकल। जैसे इथिलीन एक एल्कीन है जिसमें दोनों ही कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन या दोनों ही कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो दोनों कार्बन एक जैसे हैं, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, तो ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। और दूसरा जैसे ये एसिटिलीन एक एल्काइन है, ये भी इसके भी दोनों कार्बन एक जैसे हैं तो ये भी सिमेट्रिकल एल्काइन है। अब अगर हम एक एल्कीन लें जिसके दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो अलग अलग तरीके के हैं, उनका एटमॉस्फेयर अलग है, उनसे जो ग्रुप या एटम जुड़े हुए हैं वो अलग अलग हैं, तो ऐसे एल्कीन को हम कहेंगे या ऐसे एल्काइन को हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल। जैसे प्रोप वन इन एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, या अगर हम ले लें प्रोप वन आइन तो ये एक अनसिमेट्रिकल एल्काइन है। तो दो तरीके के एल्कीन या एल्काइन कैटेगराइज किए जा सकते हैं, वन इज कॉल्ड सिमेट्रिकल और दूसरा क्या है अनसिमेट्रिकल। तो पहले तो आपको ये जान लेना है कि मार्कोनिकॉफ रूल तभी अप्लाई होगा जब कहीं एल्कीन या एल्काइन पर एडिशन रिएक्शन हो रहा हो, यानी रिएक्शन एडिशन हो तब मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किया जाएगा। दूसरा, एडिशन होते समय सारे एल्कीन या एल्काइन पे नहीं होना होगा, कैसा होना चाहिए वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन या एल्काइन होनी चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन या एल्काइन पर एडिशन होने पर कहां पर एडेंडम जुड़ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोडक्ट सेम आता है। अब तीसरी कंडीशन यह है कि जो जुड़ रहा है उस जुड़ने वाले सब्सटेंस के जो दो ग्रुप होंगे जो जुड़ेंगे डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन से वो दोनों अलग अलग होने चाहिए, दोनों सिमिलर नहीं होने चाहिए। जैसे H2 अगर है तो ये सिमेट्रिकल है, इस पे मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, लेकिन H2O है इसका जब एडिशन होगा तो मार्कोनिकॉफ रूल ध्यान दिया जाएगा। HCl HBr यानी HX का एडिशन हो रहा है तो मार्कोनिकॉफ रूल ध्यान दिया जाएगा, HOCl का एडिशन हो रहा है तो मार्कोनिकॉफ रूल ध्यान दिया जाएगा। यानी जो एडेंडम है जो जुड़ रहा है उसके जो दो ग्रुप जाके जुड़ेंगे, जैसे पानी के केस में H और OH जाके जुड़ेगा तो ये दोनों क्या है अलग अलग, तब इस केस में यानी ये भी अनसिमेट्रिकल एडेंडम होना चाहिए। सिमेट्रिकल एडेंडम जैसे Br2 है तब ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होने का कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान रखना है कि कौन सी एल्कीन मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगी, अगर ये पूछा जाए तो आप उसमें देंगे कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन ही मार्कोनिकॉफ रूल को क्या करेगा फॉलो करेगा। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स विल फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखिए हमारे पास जो चार ऑप्शन है उन ऑप्शन से हमको देखना है कि कौन सिमेट्रिकल है और कौन अनसिमेट्रिकल है। जैसे एक पहला ऑप्शन हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा ऑप्शन CH CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, तीसरा ऑप्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, चौथा ऑप्शन CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3।
तो ये चार एल्कीन ऑप्शंस में दिए हुए हैं। इसमें बहुत आसानी से अब आप क्लियरिफाई कर सकते हैं कि कौन सी एल्कीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो इसमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन कौन सी है? प्रोपीन है। प्रोपीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यानी प्रोपीन विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, दिस इज द राइट ऑप्शन कि ये जो है, ये एल्कीन जो है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और ये मार्कोनिकॉफ रूल शो करेगा। ठीक है, और किसके एडिशन पे ये मार्कोनिकॉफ रूल शो करेगा? HBr या फिर HCl या फिर H2O, इनके एडिशन पे ये मार्कोनिकॉफ रूल शो करेगा। बाकी सब पे अगर यही एडिशन हो रहा है तो वहां मार्कोनिकॉफ रूल ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जरा देखते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल एक्चुअली है क्या और ये कहता क्या है, और जो कहता है वो क्यों कहता है, किस आधार पे कहता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास कहीं पर किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर एडिशन रिएक्शन हो रहा है, जैसे प्रोपीन वनीन है, इस पर कोई एडिशन रिएक्शन हो रहा है, HBr जुड़ रहा है, तो HBr क्या कहलाएगा? अडेंडम। तो HBr का जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा वो वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। ओके, द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम इज एडेड टू दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स या लेस नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स। या आप ये कह लें कि अगर हमारा अडेंडम HBr या H2O है, जिसमें एक हाइड्रोजन है अडेंडम में जो H पॉजिटिव के फॉर्म में है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है यहां पे इन दोनों केस में? पॉजिटिव। तो ये भी आप कह सकते हो कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ अडेंडम, तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ अडेंडम या हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम, टू दैट कार्बन विच हैज हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, विच हैज हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, या फिर हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन या लोअर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स। सो दिस इज एक्चुअली द मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, सो मार्कोनिकॉफ रूल ओनली वर्क्स व्हेन देयर इज एडिशन रिएक्शन। कैसा एडिशन रिएक्शन? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे जो एडिशन रिएक्शन होगा, उस एडिशन रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि उसमें जो अटैक होता है वो पहले किसका होता है? इलेक्ट्रोफाइल का होता है। दैट वॉज द सिंपली स्टेटमेंट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल कि जब भी कहीं पर एडिशन रिएक्शन होगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे, तो अडेंडम का पॉजिटिव वाला या फिर हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। इसको सिंपली आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि कहीं पे अगर कोई ग्रुप, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो लोग वहां जुड़ते हैं जहां संख्या ज्यादा होती है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे टूटने का एक रूल होता है, जब कहीं एलिमिनेशन रिएक्शन हो तो लोग वहां से निकलते हैं जहां पर संख्या कम हो। तो एडिशन, ये ध्यान रखेंगे कि एडिशन जब भी होगा तो एडिशन में हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा। हाइड्रोजन जुड़ेगा कहां? जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा। यही मार्कोनिकॉफ रूल है, दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल। नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास एक एल्कीन है, ये, और इस पे हमने HBr का एडिशन कराना है। तो HBr का एडिशन कराएंगे तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा। जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे कोई ग्रुप आके जुड़ेगा। तो जब डबल बॉन्ड टूटेगा
यहां पर दो हाइड्रोजन है, यहां पे क्या है, एक हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, तो हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। ओके, यहां हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहां पे क्या जुड़ जाएगा, यार जुड़ जाएगा। सो दिस इज योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का। अब जरा मैकेनिज्म को देखते हैं कि ये मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करता है, क्योंकि यहां जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो बीच में भी अगर कोई चीजें हो रही हैं तो वो हमको क्लैरिफाइड होंगी। मैकेनिज्म में ये कार्बोकटाइन मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो आप जानते हैं कि जहां भी कार्बोकटाइन बनता है, कार्बोकटाइन मैकेनिज्म होगी, वहां पर कार्बोकटाइन रीअरेंज कर सकता है, तो बीच में रीअरेंजमेंट का भी ऑप्शन होगा और रीअरेंज प्रोडक्ट करने के भी ऑप्शन यहां पे क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। ओके, तो जरा देखते हैं कि क्या मैकेनिज्म है, कैसे मार्कोनी काफ एडिशन होता है, या मार्कोनी काफ एडिशन में क्यों हाइड्रोजन वहीं जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। तो जरा मैकेनिज्म देखते हैं एडिशन रिएक्शन का, जो मार्कोनी काफ एडिशन होता है, मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनी काफ एडिशन। ओके, जैसे हमने एक एल्कीन ली, जो सिंपल एल्कीन ली, CH3CH2CH2, और इसका हमने HBr से रिएक्शन कराया, तो HBr का जो H पॉजिटिव पार्ट है वो इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। डबल बॉन्ड पे क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जो बना हुआ है, ये पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना हुआ है, और पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ क्या है, एक्सपोज्ड है। तो पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ एक्सपोज्ड है, और जब बाहर की तरफ एक्सपोज्ड होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो कोई भी पॉजिटिव इस पे अटैक करेगा। इसलिए हमेशा डबल और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, जब एडिशन देंगे तो यहां पर अटैक करेगा और डबल बॉन्ड टूट जाएगा। डबल बॉन्ड टूटेगा तो हमें जो बनेगा स्पीसीज, वो स्पीसीज या तो ये बन सकती है, डबल बॉन्ड टूटा, एक पे पॉजिटिव और निगेटिव आया, एक पे किसी एक कार्बन पे जाके हाइड्रोजन जुड़ गया, हमने माना कि ये किनारे वाले पे जुड़ गया या बीच वाले पे जुड़ जाएगा। अगर ये किनारे वाले पे जुड़ा तो बीच वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये एक कार्बोकटाइन बनाएगा, जो कि एक 2 डिग्री कार्बोकटाइन होगा। दूसरा, अगर ये किनारे वाले बीच वाले पे जुड़ा तो किनारे वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये होगा 1 डिग्री कार्बोकटाइन। अब चूंकि ये कार्बोकटाइन दो बन रहे हैं और हमको पता है कि 1 डिग्री कार्बोकटाइन जो है वो लेस स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री कार्बोकटाइन, तो 2 डिग्री कार्बोकटाइन की तुलना में 1 डिग्री कार्बोकटाइन लेस स्टेबल होगा, तो इसलिए वो नहीं बनेगा। और जब 1 डिग्री कार्बोकटाइन नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, 2 डिग्री कार्बोकटाइन बनेगा, विच इज मोर स्टेबल, 2 डिग्री कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल। सो 2 डिग्री कार्बोकटाइन विल बी फॉर्म्ड, 1 डिग्री कार्बोकटाइन विल नॉट बी फॉर्म्ड। और मोर स्टेबल जब कार्बोकटाइन बन गया, तब यही मोर स्टेबल कार्बोकटाइन आगे प्रोडक्ट को बनाएगा, और अगर यहां पर रीअरेंजमेंट का ऑप्शन होगा तो रीअरेंजमेंट होगा। ये ध्यान रखेंगे आप कि कार्बोकटाइन मैकेनिज्म में यहां तो नहीं पॉसिबल है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, बट इफ रीअरेंजमेंट क्या होता है कि जब एक लेस स्टेबल कार्बोकटाइन हाइड्राइड मिथाइल या फिनाइल शिफ्ट के थ्रू एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन में कन्वर्ट हो जाता है, देन दैट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन। तो रीअरेंजमेंट मे बी इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, हमेशा जब भी कार्बोकटाइन मैकेनिज्म होगी तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। यहां पे नहीं है, लेकिन जहां पॉसिबल होगा जिस मैकेनिज्म में, जिस भी पर्टिकुलर एग्जांपल में, तो पहले रीअरेंजमेंट होगा, और जब रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा। अब इसके बाद यहां पे अटैक होगा किसका, Br नेगेटिव का, और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, यानी मिलेगा आपको CH3CHBrCH2। तो फाइनली हाइड्रोजन उस जगह CH3, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनली हाइड्रोजन वहां जुड़ा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, क्योंकि उस केस में जो इंटरमीडिएट हमारा बन रहा था वो एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बन रहा था, इसीलिए मार्कोनी काफ एडिशन में जो है एक मोर स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू, कार्बोकटाइन के थ्रू मैकेनिज्म होती है, इसलिए ये क्या कहते हैं, हाइड्रोजन वहीं जुड़ता है, या पॉजिटिव वाला हिस्सा वहीं जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा।
ज्यादा है, क्योंकि उस केस में जो कार्बोकैटायन बनेगा वो एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। जरा और आगे देखते हैं, एक रीअरेंजमेंट वाला एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, CH3CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे अगर हम HBr का एडिशन करा रहे हैं तो HBr का H पॉजिटिव पहले अटैक करेगा, और हमने अगर हम नॉर्मली देखें तो हमने ये उम्मीद करी थी कि भाई यहाँ डबल बॉन्ड टूट जाएगा और डबल बॉन्ड के एक कार्बन पर हाइड्रोजन और एक कार्बन पे Br जुड़ जाएगा, और मार्कोनिकोफ कहता है कि यहाँ Br जुड़ जाएगा, यहाँ H जुड़ जाएगा, लेकिन यहां पर ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। दिस इज द नॉर्मल प्रोडक्ट बट दिस विल नॉट बी फॉर्म्ड। क्यों नहीं बनेगा उसको जरा देखते हैं, और कौन सा बनेगा अगर ये नहीं बनेगा तो जो बनेगा वो प्रोडक्ट होगा ये। ओके, क्यों ये प्रोडक्ट बनेगा ये भी जरा देखेंगे। तो ये प्रोडक्ट हमको मिलेगा एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। तो ये जानने के लिए आपको मैकेनिज्म जानना जरूरी था। अगर आपको मैकेनिज्म नहीं पता होता तो आप पहले ऊपर वाला प्रोडक्ट बनाएंगे जो नॉन रीअरेंज्ड है, और वो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। जरा देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे ये बन रहा है। तो अगर हम लें इस एल्कीन को और इस एल्कीन पर हम H का पहले अटैक कराएंगे, H पॉजिटिव अटैक करेगा एंड कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म्ड। तो कार्बोकैटायन तो हमारा बन जाएगा ये कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो है ये एक लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है, और अगर रीअरेंजमेंट हो, ये हाइड्रोजन यहां से यहां शिफ्ट हो जाए, जिसको हम कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, तो फिर ये हो जाएगा CH3, दिस कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म एंड दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोकैटायन। एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन। रीअरेंजमेंट तभी होगा जब एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। ओके, सो व्हेन अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, ये क्या था, ये 2 डिग्री था, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा तभी ये होगा। तो ये एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया। नाउ दिस Br विल अटैक ऑन दिस, सो Br अटैक करेगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा CH3, Br, CH2, CH3 एंड CH3। यहां आपको ध्यान रखना है कि ये जो रीअरेंजमेंट होता है ये कार्बोकैटायन में ही पॉसिबल है, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल में ये रीअरेंजमेंट नहीं होता। इवन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जब हम एंटी मार्कोनिकोफ में देखेंगे तो वहां देखेंगे कि जब इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होगा तो वहां रीअरेंजमेंट का ऑप्शन नहीं होगा। तो कार्बोकैटायन ओनली अंडरगोस क्विक रीअरेंजमेंट टू फॉर्म अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बिफोर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, या पहला अगला अटैक होने से पहले। चलिए दो और एग्जांपल ले लेते हैं जरा मार्कोनिकोफ रूल के, फिर आगे बात करेंगे। ये एग्जांपल एक लेते हैं, इस पर सॉरी ये मान लीजिए अगर हमारे पास एल्कीन है और इस पर हम HBr का एडिशन कराएं, तो HBr का एडिशन अगर इस पे हम कराते हैं तो एक तो ये रिंग का एडिशन होगा नहीं, बेंजीन रिंग एडिशन रिएक्शन नहीं देती है 3-3 डबल बॉन्ड होने के बाद भी, ये हम बेंजीन में पढ़े हैं। फिर देखेंगे कि क्यों नहीं देता है, बेंजीन कौन सा रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 3 डबल बॉन्ड होने के बाद भी, चूंकि इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर होता है इसलिए अपने एरोमेटिसिटी को तोड़ता नहीं है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अब ये डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड पे यहां क्या है, हाइड्रोजन है, यहां क्या है, एक हाइड्रोजन है, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो Br कार्बोकैटायन यहां बनेगा,
हेयर कार्बोकोटैन विल बी फॉर्म्ड और एक एच यहाँ जुड़ जाएगा और फिर बाद में इसी कार्बोकोटैन पे क्या जुड़ जाएगा, बी आर जुड़ जाएगा। तो ये कार्बोकोटैन रीअरेंजमेंट का भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे बी आर जुड़ जाएगा एंड दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। तो ये जब भी आप देखें कि कहाँ जुड़ रहा है मार्कोनिक आपसे, कि हाइड्रोजन वहीं जुड़ना है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो साथ में ये भी देखें कि बी आर का अटैक होने से पहले कार्बोकोटैन का रीअरेंजमेंट तो नहीं पॉसिबल है। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो पहले आप रीअरेंजमेंट कराएंगे फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके, सो इन दैट केस रीअरेंज्ड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एल्कीन है ये, ओके, और इस एल्कीन पर अगर हम एचआई का एडिशन करा रहे हैं तो क्या बनेगा? पहले तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहां एक हाइड्रोजन है, यहां दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी यहां पे हाइड्रोजन बन जाएगा और यहां कार्बोकोटाइन बनेगा। अब ये कार्बोकोटाइन रीअरेंज तो होना नहीं है इसको, तो यहां पे क्या जुड़ जाएगा? आयोडीन। सो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। फिर से मैं लिख देता हूं, ये फाइनल प्रोडक्ट, यहां आयोडीन जुड़ेगा और यहां एच जुड़ जाएगा, तो एच वैसे। So this was the Markovnikov rule. In the next lecture we will be talking about the anti-Markovnikov rule, या जिसको आप खैरास इफेक्ट कहते हो या जिसको पराक्साइड इफेक्ट कहते हो। Thank you very much. Your valuable comments are invaluable.